हेलो फ्रेंड्स, सुगम ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है और मैं जितेंद्र एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज का हमारा वीडियो फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में घटित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर आधारित प्रश्नों पर है। ये प्रश्न हमारी टीम ने बहुत ही मेहनत के साथ तैयार किए हैं और ये जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं में आपको बहुत ही कारगर साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश राष्ट्रमंडल का सदस्य बना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मालदीव। मालदीव राष्ट्रमंडल में आधिकारिक रूप से 1 फरवरी 2020 को शामिल हो गया है और यह करीब 3 साल पहले मानवाधिकार के मसले पर राष्ट्रमंडल से अलग हो गया था। बाद में दिसंबर 2018 में मालदीव ने फिर से राष्ट्रमंडल से जुड़ने का अनुरोध किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 100%। भारत सरकार अपनी 100% जो हिस्सेदारी है भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC में, उसको बेचने जा रही है और इसके बारे में जो भारत की वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2020 को जो वर्ष 2020-21 का बजट यानी आम बजट पेश किया है उसमें इस जो जीवन बीमा कंपनी है उसकी बड़े हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने कितने पुरातात्विक स्थलों को विकसित करने की योजना बनाई है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 5। इस साल के बजट में केंद्र सरकार द्वारा देश के 5 प्रमुख पुरातात्विक स्थलों को विकसित करने की घोषणा बनाई है। इन स्थलों को संग्रहालय के साथ विकसित किया जाएगा और सरकार द्वारा संस्कृति मंत्रालय को 3,150 करोड़ और पर्यटन के विकास को 2,500 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। और यह जो 5 पुरातात्विक स्थल हैं वो हैं धौलावीरा यानी जो गुजरात में स्थित है, राखीगढ़ी हरियाणा में, हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश का, और शिवसागर असम में, आदि चंदलूर तमिलनाडु में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स के लिए इस बार कितने बजट का आवंटन किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 600 करोड़। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी SPG देश की सबसे उच्च स्तर की सुरक्षा एजेंसी है और इसमें तकनीक से लैस बेहद पेशेवर सुरक्षाकर्मी लगे होते हैं। पहले इसका बजट जो 540 करोड़ था लेकिन इस बार बढ़ाकर इसे 600 करोड़ कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अजय बिसारिया को किस देश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है कनाडा। अजय बिसारिया को कनाडा का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। ये 1987 बैच के IFS अफसर हैं और ये अब तक पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त थे। ये 1999 से 2004 तक तात्कालिक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निजी सचिव रह चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इस बार का टेनिस का ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 खिताब किसने जीता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है नोवाक जोकोविच। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया के डोमिनिक थियेम को फाइनल में हराकर यह खिताब अपने नाम किया है और यह इनका 8वां ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम खिताब और करियर का 17वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। वहीं अगर महिला एकल प्रतियोगिता की बात की जाए तो अमेरिका की सोफिया केनिन ने यह खिताब हासिल किया है। पहली बार ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचने वाली सोफिया ने 2 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता
गारवाइन मुनुरुजा को हराकर यह जीत अपने नाम की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर एक पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने संबंधी समझौता किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है मालदीव। हाल ही में भारत व मालदीव के बीच अड्डू पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए समझौता हुआ है और मालदीव में अड्डू अतोल के 5 द्वीपों को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने की योजना है। यह परियोजना 24,90,000 डॉलर लागत की होगी और मालदीव जाने वाले पर्यटकों में भारतीयों की बात की जाए तो दूसरे स्थान पर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चीन से बाहर किस देश में कोरोना वायरस से मरने का पहला मामला सामने आया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है फिलीपींस। चीन से जो कोरोना वायरस की शुरुआत हुई है उसके बाद वहाँ अब तक इससे 300 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 17,000 से अधिक लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। अब तक विश्व के कुल 18 देशों में इसके मामले दर्ज किए गए हैं और हाल ही में चीन से बाहर इस वायरस से पहली मौत का मामला फिलीपींस में सामने आया है। इससे पहले 30 जनवरी को ही विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा कोरोना वायरस को वैश्विक आपदा घोषित किया जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने टिड्डियों की समस्या से जूझते हुए आपातकाल की घोषणा की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है पाकिस्तान। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में टिड्डियों द्वारा फसलों को नष्ट करने के कारण पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। पंजाब और सिंध क्षेत्र की फसलों को बर्बाद करने के बाद टिड्डियों ने खैबर पख्तून इलाकों में भी फसलों को बर्बाद करना शुरू कर दिया है और इस संकट से उभरने के लिए देश को 730 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। दरअसल यह टिड्डियां बेहद बड़ी संख्या में झुंड बनाकर चलती हैं और पूरे क्षेत्र की फसलों को नष्ट कर देती हैं। यह एक दिन में 150 किलोमीटर तक का सफर कर सकती हैं। एक टिड्डी एक दिन में अपने वजन के बराबर फसल खा सकती है और इनकी इतनी बड़ी संख्या की वजह यह है कि एक टिड्डी एक बार में 20 से 100 तक अंडे दे सकती है। ये कुछ ही समय में लाखों हेक्टेयर फसल बर्बाद करने में सक्षम हैं और पाकिस्तान और सोमालिया इस बार टिड्डियों के हमले से प्रभावित होने वाले विश्व के शीर्ष देशों में हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश की सेना के साथ मिलकर संप्रीति 9 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बांग्लादेश। हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 9 के आयोजन की शुरुआत हो चुकी है। इस बार यह आयोजन भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय में किया जा रहा है। यह अभ्यास भारत व बांग्लादेश रक्षा समझौते का हिस्सा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में बाफ्टा अवार्ड समारोह का आयोजन कहां पर किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है लंदन। लंदन में इस बार का बाफ्टा अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया और बाफ्टा और एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस के लिए नामांकन की घोषणा जनवरी में हो चुकी थी और बाफ्टा के 73वें संस्करण का आयोजन 2 फरवरी को किया गया। ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार ब्रिटिश अकादमी ऑफ फिल्म और टेलीविज़न आर्ट अर्थात बाफ्टा द्वारा प्रदान किए जाते हैं और इनका आयोजन साल 2008 से लंदन के रॉयल ओपेरा हाउस में किया जा रहा है। इस समारोह के दौरान साल 2019 की देशी व विदेशी फिल्मों को सम्मानित किया गया। इस दौरान फिल्म 1917 ने सबसे ज़्यादा 7 अवार्ड हासिल किए और समारोह में जॉनिक फोनिक्स को फिल्म जोकर के बेहतरीन अभिनय के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है और रेनी जेलवेकर को फिल्म जूडी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने क्षेत्रीय पर्यटकों के लिए मुफ्त एंट्री को समाप्त कर दिया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है भूटान। भूटान में पर्यटकों को दी जा रही फ्री एंट्री को अब खत्म कर दिया गया है। भूटान की संसद ने एक प्रस्ताव पास कर यह नई व्यवस्था बनाई है। भूटान ने इसे सतत विकास शुल्क का नाम दिया है। इसके अंतर्गत जुलाई 2020 से अगर कोई भी पर्यटक भूटान में जाएगा तो वह प्रतिदिन 1200 रुपये उसे चुकाने होंगे और 5 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों को इसमें फ्री रखा गया है, शुल्क से मुक्त रखा गया है, लेकिन 6 से 12 साल के बच्चों से यह शुल्क आधा अर्थात 600 रुपये प्रतिदिन लिया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य ने मुक्ति कारवां अभियान की शुरुआत की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है राजस्थान। राजस्थान राज्य की राज्य सरकार ने बाल श्रम और मानव तस्करी के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मुक्ति कारवां अभियान की शुरुआत की है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था द्वारा शक्तिकांत दास को सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर चुना गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है द बैंकर। अंतर्राष्ट्रीय संस्था द बैंकर ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को दक्षिण एशिया प्रशांत क्षेत्र का सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर चुना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में एक नए बंदरगाह के निर्माण के लिए मंजूरी प्रदान की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है महाराष्ट्र। हाल ही में केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के बधावन में एक प्रमुख बंदरगाह की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। इसे भू स्वामित्व मॉडल के आधार पर तैयार किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में विश्व धरोहर शहर का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? इस प्रश्न का सही उत्तर है जयपुर। राजस्थान के जयपुर शहर को यूनेस्को की 5 की विश्व विरासत सूची में विश्व धरोहर शहर का औपचारिक प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया है 5 फरवरी 2020 को। और अगर जयपुर की बात की जाए तो जयपुर को भारत के गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है। अपनी स्थापत्य कला के लिए जाने जाने वाले जयपुर शहर की स्थापना साल 1727 में राजा जयसिंह द्वारा की गई थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो जयपुर शहर है उसकी स्थापना 1727 ईस्वी में राजा जयसिंह द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डॉक्टर NS धर्मशक्तु। राष्ट्रपति द्वारा इस बार के अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से डॉक्टर NS धर्मशक्तु को सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार की स्थापना गांधी स्मारक कुष्ठ फाउंडेशन द्वारा साल 1950 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 40वां। भारत को बौद्धिक अंतर्राष्ट्रीय जो बौद्धिक संपदा सूचकांक है उसमें 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में विश्व के 53 देशों की बौद्धिक संपदाओं का आकलन किया गया था और इस सूची में अमेरिका को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इसके बाद क्रमशः ब्रिटेन, स्वीडन, फ्रांस व जर्मनी का नाम आता है। यह इंडेक्स अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवोन्मेषण नीति केंद्र के द्वारा जारी की गई है और पिछले साल भारत विश्व के 50 देशों की सूची में 36वें स्थान पर था, जबकि इस बार 4 स्थान खिसककर 40वें स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ पर किया गया?
इस प्रश्न का सही उत्तर है लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में आयोजित डिफेंस एक्सपो 2020 में अफ्रीकी देशों की रक्षा ज़रूरतों को पूरा करने की बात कही है और इस आयोजन में 12 अफ्रीकी देशों के रक्षा मंत्रियों के साथ 38 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत अफ्रीकी देशों को सैन्य उपकरण देने का इच्छुक है और साथ ही वह वहां अपनी रक्षा सामग्री के लिए बाजार भी ढूंढ रहा है। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न, आपको ज़रूर पसंद आए होंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक सुगम ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे कि हम आगे जो वीडियो अपलोड करेंगे उनकी जानकारी आप तक पहुंच सके। साथ ही हमें आपसे अपेक्षा है कि अगर आप इन वीडियोज में कुछ या जो हमारे प्रश्न हैं उनमें कुछ सुधार चाहते हैं तो आप हमें फीडबैक भी दे सकते हैं। फीडबैक देने के लिए आप हमारे जो वीडियो है उस पर कमेंट कर सकते हैं और साथ ही अगर आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.sugamgyan.com पर जाकर डेली करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। और इन जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का हमने एक पीडीएफ बनाया, वो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया हुआ है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।